नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट, इनका जन्म कब कहाँ पर हुआ था? देखो ऑप्शन में वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। ये देखिए इधर जो गौतम बुद्ध का जन्म है ये इधर लिखा है कपिलवस्तु, यानी नेपाल का जो कपिलवस्तु है उसके पास लुम्बिनी है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये देखो ऑप्शन में क्या है, लुम्बिनी, ये इसका सही आंसर है। और इनका जो चाइल्डहुड नेम है ये है सिद्धार्थ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से घुमा फिराकर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका जन्म हुआ था 563 BC में इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली में, नेपाल के लुम्बिनी में। और इनके जो फादर थे सुदोधन, ये चीफ थे शाक्य क्लैन थे। और इनकी मदर माया देवी, ये चीफ थी कोलियन क्लैन की। और एट द एज ऑफ 29 की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था कंटक पे, और किसके साथ, चना पे। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंटक। और उस पूरे पीरियड को बोला जाता है महाभिनिष्क्रम, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है महाभिनिष्क्रमण। और 80 साल की एज में इनका देहांत हो गया, उस समय 483 BC में इनका देहांत हुआ जब ये 80 साल के थे। कहां पर, कुशीनगर, कुशीनगर जो फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ माला किंगडम की। और इस पीरियड को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। देखो जब इन्होंने अपना घर छोड़ा उस पीरियड को बोला जाता है महाभिनिष्क्रम, और जब इनकी डेथ हुई उस पीरियड को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। याद रखेगा इनका जो चाइल्डहुड नेम है ये है सिद्धार्थ, और 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और 483 BC में जब ये 80 साल के थे तब इनका देहांत हो गया था। और इनका जो घोड़े का नाम था ये था कंटक। और ये भी याद रखेगा इनकी जो माता थी माया देवी वो कोलियन क्लैन से बिलोंग करती थी, और इनके फादर जो शुद्धोधन है वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, है मैं पूछा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो देखो ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो बिहार में है वहां पे है, और यहीं पे बुद्धिस्ट की थर्ड काउंसिल हुई थी। देखो फर्स्ट काउंसिल कहां पर हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। और जो सेकंड इनकी काउंसिल थी वो कहां पर हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। और यहां पे थर्ड तो पूछा ही है, ये हुई थी पाटलिपुत्र। और फोर्थ हुई थी कश्मीर में। देखो अगर इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी 483 BC में, और सेकंड हुई थी जो वैशाली में हुई थी 383 BC में, और जो थर्ड पूछी है ये हुई थी 250 BC में, और फोर जो कश्मीर में हुई थी ये हुई थी 98 AD में। देखो ये तीनों BC में हुई थी, और जो फोर्थ हुई थी ये हुई थी AD में, 98 AD में ये हुई थी। और चेयरमैन कौन थे फर्स्ट वाली में, ये थे महाकश्यप। इसमें जो थे राजगृह में जो काउंसिल हुई थी वहां पे चेयरमैन थे महाकश्यप। और जो सेकंड हुई थी वैशाली में वो थे सभा कम्मी। थर्ड जो पाटलिपुत्र में हुई थी उसमें जो चेयरमैन थे वो थे मोगालीपुत्र तीसा। और जो कश्मीर में हुई थी काउंसिल फोर्थ उसमें थे चेयरमैन, इसमें दो थे देखो, एक तो वासुमित्र और दूसरे जो थे जिन्होंने को चेयर करी थी वाइस चेयरमैन वो थे अश्व घोष। और एक इन डायनेस्टी में हुई थी, ये भी याद रखेगा। देखो जो फर्स्ट वाली हुई थी ये हुई थी हरियंका डायनेस्टी में, और ये सेकंड जो वैशाली में हुई थी ये हुई थी शिशुनाग डायनेस्टी। और जो थर्ड जो पाटलिपुत्र में हुई है ये हुई थी मौर्यन डायनेस्टी। देखो इनकी डायनेस्टी भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ जो कश्मीर में हुई थी ये हुई थी कुषाण डायनेस्टी टाइम पीरियड में, याद रखेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉर्ड गिवन बिलो। देखो यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहले लिखा हुआ है विक्रम सांवत बिगिन इन 57 BC, तो बताइए ये ठीक है या गलत है। अगली स्टेटमेंट साका सांवत बिगिन इन 78 AD। नेक्स्ट स्टेटमेंट गुप्ता एरा बिगिन इन 319 AD। फोर्थ स्टेटमेंट द एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया बिगिन इन 1192 AD। देखो स्टेटमेंट में जो देने के बाद फिर ऑप्शन इसी तरीके से दिए जाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4, या यहाँ पे हो सकता था ऑल ऑफ द अबव भी। देखो इसका सही आंसर है ये 1 2 3 4, ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। विक्रम सांवत 57 BC में ये स्टार्ट हुआ, साका सांवत 78 AD में ये स्टार्ट हुआ था, और गुप्ता ईरा ये 319 AD में इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे।
और ईरा ऑफ मुस्लिम रूलर इन इंडिया बिगिन इन 1192 एडी में स्टार्ट हुआ था जब बैटल ऑफ टराइन हुई थी 1192 में, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसी टाइम पीरियड से मुस्लिम रूल भी इंडिया में स्टार्ट हो गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एसेट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर, ये जो खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर है इससे कौन इससे जुड़ा हुआ है, इन ऑप्शन में पूछा गया है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा चंदेला। चंदेला के रूलरों द्वारा खजुराहो के टेम्पल बनवाए गए थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खजुराहो टेम्पल एविडेंसेस द एक्सीलेंस ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर। और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये यहाँ पर लोकेटेड है और इनका टाइम पीरियड है 950 से लेके 1050 एडी। देखो इनका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। जो चंदेला थे उन्होंने खजुराहो के टेम्पल इस टाइम पीरियड में बनवाए थे। और एक और है केंद्रीय महादेव टेम्पल इज द बेस्ट अमंग दिस, ये इसका बेस्ट नमूना है इस आर्किटेक्चर का, खजुराहो के टेम्पलों का, जो चंदेला के द्वारा बनवाए गए थे। और ये जैन और हिंदू दोनों इसमें बिलोंग करते थे। फिर से बोलता हूँ, जैन हिंदू दोनों इसमें बिलोंग करते थे। और टाइम पीरियड क्या था इनका, 950 से 1050 एडी का टाइम पीरियड था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखो यहाँ पर पूछा स्लेव डायनेस्टी, ऑप्शन में दिए हुए हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी जिसे गुलाम डायनेस्टी और मेमलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। कब, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था ये था 1206 से लेके 1210। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद इसने ही स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। देखो ये दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है और इसमें पांच डायनेस्टी थी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लास्ट में लोदी डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो सैयद ये जो स्लेव डायनेस्टी थी ये थी 1206 से लेके 1290 और खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 और ये जो थी 1320 से लेके 1451। ये सबसे ज़्यादा इसका टाइम पीरियड था, ये थी 1451 से लेके इसका टाइम पीरियड यहाँ पे देख लीजिएगा। और लास्ट में थी लोधी डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सैयद डायनेस्टी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन जो लोधी डायनेस्टी थी इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका जो पूरा टाइम पीरियड था ये था 1206 से लेके 1526। फिर बाबर आ गया और बाबर ने आकर मुगल डायनेस्टी की स्थापना की थी। और देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुवत उल इस्लाम मोस्क्यू, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसने राजस्थान के अजमेर में बनवाया था और कुवत उल इस्लाम मोस्क्यू ये दिल्ली में इसने बनवाया था। इसे लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है और इसकी डेथ हो गई थी, एक गेम होता है चोगा जिसे पोलो भी कहते हैं, ये घोड़े से खेलते समय उससे गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। तो इस डिस्कशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो हम हिस्ट्री के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।